हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ब्लैक विडो मूवी के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे इटर्नल्स मूवी के बारे में भी। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि डिज्नी रिलीज करेगा ब्लैक विडो मूवी को नेक्स्ट ईयर थिएटर्स में ही, ना कि डिज्नी प्लस पे। आप लोगों ने रूमर सुना ही होगा बहुत दिन से, क्या बहुत पहले से चल रहा है जब से ये कोविड का चालू हुआ है कि डिज्नी प्लस पे हमें देखने मिलेगी ब्लैक विडो की मूवी। और यहाँ तक कि आप लोगों ने मुझे कुछ एक महीने पहले क्लिप शेयर किया था जिसको मैंने कहा था कि मेरे अकॉर्डिंग वो फेक है। तो आज इन्वेस्टर डे है तो हमें फुल एंड फाइनल पता चल जाएगा कि वो क्लिप रियल थी या फेक थी। अगर उस क्लिप के बारे में उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा तो समझ लेना कि फेक थी और सेम ब्लैक विडो पे लागू होता है। अगर उन लोगों ने कहा कि डिज्नी प्लस पे डाल रहे हैं तो ठीक है, अगर ब्लैक विडो मूवी के बारे में भी कुछ नहीं कहा तो समझना कि अगले साल ही थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है। बाकी वो लोग बता देंगे अगर डिज्नी प्लस पे डालना होगा तो। तो फिलहाल न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग जो था मैंने आप लोगों को बता दिया। अब वेट करते हैं रात का, इन्वेस्टर डे रात में है यानी कि रात में शुरू होगा 3 बजे के दौरान। और अब बात करते हैं इटर्नल्स मूवी के बारे में। तो रिसेंटली गेमा चैन का इंटरव्यू हुआ था वैनिटी फेयर के साथ, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो सैरसी है यानी कि वो सैरसी का रोल प्ले कर रही है इटर्नल्स मूवी में, तो उन्होंने टीज किया कि सैरसी ह्यूमन लविंग है यानी कि उसे ह्यूमन ज़्यादा पसंद आएगी मूवी में। और रूमर के अकॉर्डिंग तो मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि लव ट्रायंगल वगैरह दिखाया जाएगा। मतलब रूमर मुझे जो मिला था मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लैक नाइट और सैरसी का ऐसा थोड़ा अफेयर वगैरह कुछ दिखाया जाएगा। और बाकी आप लोगों ने सेट इमेजेस में भी देखा था कि सैरसी किट हैरिंगटन जो कि ब्लैक नाइट का रोल प्ले करेंगे इटर्नल्स मूवी में, उसके साथ हमने देखा था। तो सही कह रही है वो इंटरव्यू में। बाकी देखते हैं इटर्नल्स मूवी का वेट करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इटर्नल्स मूवी के लिए, लेकिन वो भी डिले हो गई। कोई नहीं, देख लेंगे जब आएगी। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे ब्लैक विडो मूवी के बारे में भी। और इटर्नल्स का तो मतलब छोटा मोटा अपडेट था, लेकिन ब्लैक विडो का डिज्नी प्लस थिएटर्स बहुत चल रहा है। तो देखते हैं आज इन्वेस्टर डे में ऑफिशियली क्या कहते हैं वो लोग। तो वेट करो, जो भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करो और कोई न्यू बंदा या बंदी हो वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को शेयर करो। एमसीयू मास्टर, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।